श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 28 अक्टूबर दिन शुक्रवार को विनायक चतुर्थी है। विनायक चतुर्थी का हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कहना है कि अगर किसी के घर में रिद्धि सिद्धि का वास बिल्कुल नहीं रहता है, पैसों की कमी लगातार बनी रहती है, उसके साथ ही में अगर आप अपनी मनोकामना जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है उसे पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आपको इस दिन भगवान गणेश को खुश करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। आप इस दिन यह छोटा सा उपाय करके भगवान गणेश को आसानी से खुश कर सकते हैं। आपको इस दिन क्या करना होगा कि विनायक चतुर्थी का व्रत उपवास रख लीजिएगा, उसके साथ में प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद शिवजी को जल अर्पित कर दीजिएगा। शिवजी को जल अर्पित करने के बाद विनायक चतुर्थी को जब आप भगवान गणेश की पूजा करें तब आपको यह करना है। आपको सबसे पूर्व एक दुर्वा की गांठ लेनी है जिसके अंदर 11 दुर्वा होना चाहिए। उसके साथ में आप 23 चने की दाल के दाने या आप गेहूं के दाने भी ले सकते हैं। यह सामग्री लेने के बाद आप जब भी भगवान गणेश की इस दिन पूजा करें तो आपको यह करना है, जो एक दुर्वा की गांठ आपने ली है उसे भगवान के टूटे हुए दांत की ओर अर्पित करिएगा। ओम गणपताय नमः जप करते हुए आप यह दुर्वा की गांठ भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिएगा। अब जो आपने चने की दाल के दाने लिए हैं उसे आपको भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करने हैं और पूरी विधिवत रूप से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी है। साथ ही में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना है, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कहना है कि कोई भी पूजा महादेव के बिना अधूरी ही रहती है। और पूरी विधिवत रूप से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करिएगा। साथ ही में आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप भी करना है, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कहना है कि कोई भी पूजा महादेव के बिना अधूरी ही रहती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार या 108 बार जप कर लीजिएगा। यह सब करने के बाद पूरी विधिवत रूप से पूजा करिएगा, उसके साथ में भगवान गणेश को भोग अर्पित करिएगा। आप लड्डू बाटी का भोग बनाकर भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अपना व्रत उपवास खोल लीजिएगा। जब आप वह दुर्वा की गांठ अर्पित करें तब अपनी मनोकामना भगवान गणेश से कह दीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्द पूर्ण होगी। साथ ही में भगवान गणेश आपके घर में खूब रिद्धि सिद्धि का वास करेंगे। यह उपाय आपको विनायक चतुर्थी के दिन ही करना है। इस दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी, साथ ही में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ इस उपाय से जुड़ी हुई सभी जानकारी विस्तार पूर्वक आप तक पहुँच चुकी होगी। अगर फिर भी और कुछ विशेष जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।